सो हे यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आप फ्रेंड्स बच्चे होंगे। सो गाइस, आज फाइनली एक हफ्ते बाद हम जा रहे हैं वापस हल्द्वानी हमारे घर। तो आपको पता ही होगा, हम गए थे घूमने के लिए हिमालय के पहाड़ों में, ओम पर्वत आदि कैलाश सब घूम के आए। मतलब गाइस, मेरी तो लाइफ की बेस्ट ट्रिप थी। बाकी गाइस, अभी फिलहाल हम हैं कोसानी के एक रिजॉर्ट में, मतलब हमारे गाँव में। तो हमको जाना था हमारे गाँव रात को, बट हम लेट हो गए थे तो हम जा नहीं पाए, तो हम यहीं पर रुके थे रात को रिजॉर्ट में। तो आज जाएंगे अम्मा बाबू को लेके हल्द्वानी। तो बस ये सीन है, फिलहाल नहा धो के रेडी हो चुके हैं, बस अब निकलेंगे थोड़ी देर में हमारे घर के लिए। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का रूम। तो गाइस देखो, कुछ इस तरह का रूम है हमारा। ये देखो, यहाँ पे ना लगभग सारा कुछ वुडन है। देखो, टेबल वुडन, चेयर भी वुडन और बेड भी वुडन। तो मतलब काफी प्यारा लगा यार। अरे मैंने कर्टेंस तो खोले ही नहीं, रुको खुल जा सिम सिम। और गाइस देखो, सामने दिख रहे हैं हिमालयास जहाँ हम गए थे। वो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना भाई। गाइस सच्ची में यार यकीन नहीं आ रहा कि हम वहाँ पे जाके आ गए हिमालयास पे। मतलब वहाँ पे ना इतनी नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही थी ना, गूस बम टाइप के। मतलब वो सिर्फ मैंने फील किया, वो मैं किसी को बता नहीं सकता। तो अभी गाइस ब्रेकफास्ट आ गया, तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। हमारा बैकपैक हो चुका है। तो अभी गाइस ब्रेकफास्ट हो गया, अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का रिजॉर्ट, कैसा रिजॉर्ट है यहाँ पे। यहाँ पे सारे वुडन रूम है, सारे वुडन। तो यह है बिल्कुल पहाड़ के ऊपर, ये देखो सामने पहाड़ है, ये पहाड़ पे है रिजॉर्ट। बाकी देखो, ये है पहाड़ी कल्चर की पेंटिंग। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी पेंटिंग्स है, यहाँ पे भी है। ये है पहाड़ी घर। बाकी ये थे हमारे रूम, देखो तीन, एक में सोया था मैं, एक में बॉय भैया और भैया, और एक में बॉय भैया के फ्रेंड। तो ये तीन रूम थे हमारे। तो बस अब जा रहे हैं, हमारी थार देखो वो खड़ी नीचे, वहाँ पे दो थार। गाँव में खड़ी हमारी फॉर्च्यूनर और स्कूटी, तो वो भी लेके जानी है साथ में हल्द्वानी, तो मैं स्कूटी में आऊंगा। बाकी ये देखो, यहाँ भी है एक पेंटिंग पहाड़ी कल्चर की, लग रही है ना मस्त। गाइस देखो, यहाँ पे है हमारी गर्लफ्रेंड। ये देखो मैंने लास्ट टाइम डाली थी स्टोरी यहाँ पे, माय गर्लफ्रेंड रिवील्ड, याद है? तो ये तो मजाक था, लेकिन रियल में ये है पिछोड़े और नथ में पहाड़ी लेडी। ये देखो, चलो गाइस चलते हैं अब सीधा यहाँ से हमारे घर। तो अभी गाइस पहुंच चुके हैं घर पे, दोनों थार यहाँ पे लगा दिए। अब चलते हैं ऊपर, अम्मा बाबू को लेते हैं और फिर चलेंगे हल्द्वानी यहाँ से। तो अभी गाइस घर पहुंच चुके हैं, और ये देखो ये है सारा सामान जो हमको लेके जाना है फॉर्च्यूनर में। और अम्मा ठीक हो? सब बढ़िया बढ़िया। चलो फिर, कितनी परेशानी हुई? नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मस्त मस्त मजा आया। तो देखो वहाँ खड़ी है हमारी फॉर्च्यूनर और स्कूटी, तो वहाँ से बाहर निकालेंगे। तो फॉर्च्यूनर बाहर निकाल दिया है, चलो अब स्कूटी बाहर निकालते हैं हमारी। गाइस देखो पूरी गंदी हो रखी है भाई, मिट्टी ही मिट्टी, होना ही था ना, बहुत दिन से पड़ी है यहाँ पे, एक हफ्ते से। तो स्कूटी निकाल लिया बाहर। तो अभी गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ नदी की तरफ, अभी ना थोड़ा टाइम बचा है हमारे जाने में, तो चलो एक चक्कर घूम के आते हैं नदी में। मैं एक बार भी नहीं गया यार, तो चलो मतलब हर बार आता हूँ ना यहाँ पे, तो जाता हूँ नदी में, तो मतलब वो वाला एरिया मेरा फेवरेट है, तो चलो एक बार घूम के आते हैं फटाफट। तो मैं जा रहा हूँ अभी खेत के रास्ते, यह है शॉर्टकट, एक रास्ता वहाँ से भी है रोड से, लेकिन वो काफ़ी लंबा है, तो इसलिए हम चल रहे हैं खेत से, देखो शॉर्टकट। तो देखो हम पहुँच भी गए नदी में। तो देखो ये था हमारा नहाने का पॉइंट यहाँ पे, भाई कूदना पड़ेगा वहाँ पे, ये यहाँ पे हम नहाते थे पहले। मतलब मेरा मन कर रहा नहाने का अभी भी, लेकिन अभी टाइम नहीं है, और ऊपर से गाइस पानी बहुत ठंडा होगा सच्ची में, देखें भाई पूरा बर्फ का पानी है भाई। अभी तो ना भाई यहाँ बहुत कम पानी है, लेकिन हम ना यहाँ ना पानी बढ़ाते थे, पता कैसे? हम लगाते थे यहाँ पे बुजा बुजा, मतलब कपड़े और पत्थर यहाँ पे लगाते थे कोने में, तो ये था हमारा जुगाड़। देखो अभी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब सारा पानी जा रहा है, अगर वहाँ पे हम कुछ लगा देंगे ना तो पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा सारा, और फिर ये होगा गहरा। तो जब हम यहाँ पे नहाते थे ना, तब उस टाइम ये पत्थर पूरा डूबता था और ये वाला भी डूबता था पूरा, देखो यहाँ तो पानी, इतना पानी। फिर हम वहाँ से कूदते थे देखो उसके ऊपर से, मतलब हमारे स्कूल के हॉलीडेज ना यहीं बीते हैं, छुट्टी पड़ी स्कूल की, हम आए सीधा गाँव, फिर यहाँ मस्त नहाया खेला, मतलब यहीं पे बिताए सारे दिन। और गाइस यहाँ पे है पहाड़ी फ्रूट के पेड़, यह है किलमोड़ी, यहाँ पे हिसोई जो फिलहाल अभी नहीं हुए, इनका सीजन नहीं है, वरना हम यहाँ से खाते थे मस्त, फिर नहाते थे, फिर खेलते थे। यार वो दिन भी क्या दिन थे यार, मतलब बहुत मजे किए गाइस सच्ची में, उस टाइम मैं था पीयूषी जितना। तो चलो मार लिया एक नदी का चक्कर, अब चलते हैं वापस घर पे, और अब जाएंगे हम रोड के रास्ते। चलो तो देखो ये है रास्ता रोड का, वो ऊपर है हमारा घर, और ये है पुलम का पेड़, पहाड़ी फ्रूट, इस पर चढ़ के इतने पुलम खाए ना भाई। और यह है गांव की एकमात्र दुकान, देखो सारे यहीं से लेते हैं राशन पानी अपना, आ गया सामान सारा। रेडी रेडी भाई, तो चलो गाइस जाने के लिए रेडी। एक फॉर्च्यूनर, दो थार और एक स्कूटी। आई लव यू टू भाई भैया, थैंक यू। चलो फिर, हाँ चले सी बैट लगा ली। चलो गाइस थार निकल चुकी है। गाइस मुझे याद नहीं है मैंने ग्लव्स कहाँ रखे मेरे, शायद इसमें हो डिग्गी में, देखते हैं, बैग में तो नहीं है, बैग में मैंने चेक कर लिए, अरे इसी में पड़े हैं, तो चलो पहन लेते हैं इनको। फॉर्च्यूनर भी जा चुकी है, अब हम भी चलते हैं पीछे पीछे।
तो हो चुकी है शुरुआत हमारे आज की राइड की और हम निकल गए हैं फॉर्चुनर से आगे। गाइस अगर बाइक होती ना तो और मज़ा आता भाई, सच्ची में बाइक में मेरे को अलग ही मज़ा आता है। स्कूटी में मतलब कंफर्ट है लेकिन वो वाला मज़ा नहीं है बाइक वाला, बाइक में ना फील आता है यार चलाने में, है ना। तो चलो जो भी है, अभी तो फिलहाल हमें स्कूटी में ही जाना है भाई। भाई रोड बहुत ख़राब है, देखना गड्ढे गड्ढे। तो ये खड़ी हमारी थार, अरे यहाँ पे लगा ट्रैफिक। भाई हम तो निकल गए सबसे आगे स्कूटी से, स्कूटी का फ़ायदा ट्रैफिक में। तो गाइस यहाँ से हमें लगने वाले हैं अराउंड 6-7 घंटे पहुँचने में हल्द्वानी। तो गाइस आज हम घर जा रहे हैं 8 दिन के बाद, मतलब 8 दिन हो गए पूरे। 8 दिन पहले हम निकले थे हल्द्वानी से गांव के लिए, फिर उसके बाद सडनली प्लान बना जाने का हिमालय की तरफ, फिर वो भी भैया आए, फिर उसके बाद हम गए। लेकिन जो भी है गाइस मज़ा बहुत ही आया यार, मतलब इतना नेक्स्ट लेवल ट्रिप थी ना ये भाई। हिमालयस में गए गाइस, हिमालयस में मतलब मैं सोचता था कि वहाँ पे जा सकते हैं, मेरा ड्रीम प्लेस था सच्ची में, मेरा भैया का सबका ड्रीम प्लेस था। बहुत नई नई चीज़ देखी, बहुत कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला, नए नए एक्सपीरियंस मिले। तो यार मतलब बेस्ट ट्रिप थी यार ये सच्ची में। कहाँ पे आ जाओ बैठ जाओ। तो अभी गए इस रास्ते में हमको एक अंकल जी मिले, तो उन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी, तो चलो उनको छोड़ते हैं, उनको जाना है यहाँ की मार्केट। तो यहाँ से है अराउंड 3-4 किलोमीटर यहाँ पे। चलो गाइस छोड़ दिया अंकल जी को, ठीक है प्रणाम प्रणाम ओके चलो। गाइस क्या प्यारे प्यारे रास्ते हैं देखो, बहुत मज़ा आ रहा है भाई स्कूटी चलाने में यहाँ पे। गाइस अभी बहुत गलत सीन हो गया मेरे साथ, स्कूटी गिर गई यार नीचे, एक गड्ढा आया बहुत ही गहरा गड्ढा, उसमें उसका टायर स्लिप खा गया। गाइस देखो मेरे ग्लव्स ये भी फट गए भाई, थोड़ी सी यहाँ पे लगी है हाथ पे और अंदर लगी है, देखते हैं कितनी लगी है भाई। गाइस देखो बस यहाँ पे लगी हाथ पे। तो स्कूटी थी ओनली 20 की स्पीड में, लेकिन फिर भी गाइस फिसल गई यार, वो गड्ढा इतना गहरा था ना, मैं दिखाता आपको लेकिन मैं काफ़ी आगे आ गया वहाँ से। अब गाइस स्कूटी में ना ये दिक्कत है, ये ना फिसल जाती है बहुत जगह से, मैंने देखा है। अगर बाइक होती ना तो वो नहीं फिसलती, लेकिन चलो जो भी है यार हम बच गए, हमारी स्कूटी स्पीड में नहीं थी तो मतलब तेज नहीं गिरे, बिल्कुल बैंड पे आया वो गड्ढा और उसमें टायर गया। और जब गया ना मुझे लगा नहीं था उस टाइम कि गिरेगी, बिकॉज मतलब गड्ढे तो आते रहते हैं, लेकिन सीधा मतलब टायर फिसल गया और स्कूटी सीधा नीचे। वहाँ पे अंकल जी आए 2-3, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे ना बहुत लोग गिरते हैं इस गड्ढे में, ये दिखता नहीं है ना मोड़ पे, ये देखो यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे लगी है, यहाँ पे स्क्रैच आ गया पूरा और मेरे हाथ में लग गई थोड़ी सी बस। चलो कोई बात नहीं गाइस, होता रहता है इतना तो। गाइस पता है अभी भैया लोग भी गए मेरे साइड से, उनको पता नहीं है मैं गिर गया स्कूटी से, मेरे को लग गई चोट थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं रहने दो, अब बताएंगे उनको घर जाके सीधा, है ना, छोड़ो चलो चलते हैं अब। तो गाइस देखो सेम ऐसा ही था गड्ढा जैसे यहाँ पे है ना मोड़ पे, लेकिन ये दिख रहा है देखो दूर से, वो दिख नहीं रहा था, वो बिल्कुल मोड़ के अंदर जाके था गड्ढा। तो मतलब एकदम से वो आया और आते ही सीधा टायर उसमें फिसल गया मेरा और मैं गिर गया नीचे। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, होता रहता है इतना तो, लेकिन अब ध्यान रखूँगा भाई मैं आगे से, मोड़ पे कोई गड्ढा आएगा तो यार। तो अभी गाइस पहुँच गया भैया के पास, यार मैं कैसे बताऊँ गिर गया स्कूटी से मेरे को डर लग रहा है बताने में। वैसे गाइस ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब घर जाके ही बताएंगे चलते हैं। बाकी देखो मौसम, मौसम पूरा बारिश का हो रहा है, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब ठंड लग रही है। कोई बात नहीं गाइस मज़ा आ रहा है, लेकिन बस हाथ में हो रहा है दर्द हल्का हल्का, चलो वो तो कोई नहीं थोड़ी सी चोट है हो जाएगी ठीक। तो अभी गाइस रुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ खाएंगे, थार आ गई है, फॉर्चुनर आ गई है। अम्मा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अभी गाइस खाते हैं गरम गरम मैगी, ये देखो यहाँ बैठे हैं बाबू अम्मा, तो चलो खाते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो फिलहाल खाना पीना हो गया है, चलो अब चलते हैं भाई वापस स्कूटी में अपनी। तो चलो अब करते हैं अपनी राइड को कंटिन्यू, तो यहाँ से हमें लगने वाला है 1-1.5 घंटा बस। चलो अब हम चलेंगे आगे आगे। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं हल्द्वानी हिमालय के पर्वतों से। गाइस हल्द्वानी का ट्रैफिक इसी में लगता टाइम, हटो हटो। गाइस भैया लोग तो लेट ही पहुँचेंगे बिकॉज ट्रैफिक बहुत है, मेरे को इतनी दिक्कत हो रही है निकालने में स्कूटी, वो तो फिर भी गाड़ी में है, उनको टाइम लगेगा भाई आने में। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे घर पहुंच के। ओके गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं सोसाइटी। पापा जी प्रणाम, पापा जी प्रणाम, कहाँ है सब? अंदर है। चाची प्रणाम, सफर मस्त रहा? हाँ थक तो गया। हाँ वो आधे घंटे में आ जाएंगे शायद, ट्रैफिक में फंसे हैं वो। ओ मामा जी प्रणाम, भूजा जी, अरे सब यही हो, हमें जी प्रणाम।
अपना हेलमेट तो हटा ले यार। हटाता हूँ रुको। अरे अरे ओलो कुनाली क्या कर रहे हो आप, ये फोन में लगे हो, दोनों फोन में लगे हैं, हेलमेट पहना है। आज स्कूटी गिर गई। नहीं लगी, नहीं लगी, थोड़ी सी लगी, हाथ में लगी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं लगी, फिसल गई वो, गड्ढे में टायर पट गया उसका। हाथ में ज्यादा लगी है? नहीं नहीं थोड़ी सी लगी है। अरे भाई आज क्या हो रहा है, आज सब घर आ रहे हैं रिश्तेदार। मम्मी जी ये लगी है देखो थोड़ी सी, और तो ना ना और कुछ नहीं लगी, ये लगी हल्की सी बस। बहुत दर्द होता है। अरे कुछ नहीं हुआ यार, वो छोड़ जो होगी ना वो तो दिख जाती है। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इतनी तो लगती रहती है। तो गाइस फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं और देखो अंधेरा भी होने वाला है। यहाँ पे कुनाली और बानू, कुनाली आपको मेरी याद नहीं आई? आई याद? तो घर पे आते ही मैंने बता दिया मम्मी जी को, पापा जी को, सबको कि मैं स्कूटी से गिर गया था, थोड़ी सी चोट लग गई है, चोट भी दिखा दी। बाकी आप सेफली चलना, सेफली चलाना, मैं भी आगे से ध्यान रखूंगा और सेफली चलाऊंगा। तो चलो गाइस ये थी आज की वीडियो, बताने कैसी लगी आपको, अगर अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय गाइस। I ain't got no time for romance, but baby I don't want to lead you on.